please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किसी ने संगम एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की खबर दी। ट्रेन के ही एक यात्री ने खबर दी कि ट्रेन के टॉयलेट में बम है। इसके बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्दी जल्दी ट्रेन को खाली कराया गया। यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन की तलाशी ली गई। हालांकि तलाशी के बाद रेलवे ने साफ किया कि टॉयलेट में मिली चीज बम नहीं है। इसके बाद ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया। हापुड़ पुलिस को सूचना दी गई एक कंपार्टमेंट में बाथरूम में एक कुछ अनुमान टाइप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसको चेक करने के लिए यहाँ पे सब लोग पहुँचे। BDS टीम को गाजियाबाद से बुलाया गया, उसने चीज़ को चेक करके देखा कि ऐसा वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी के साथ शरारत की गई है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक साथ खड़े नजर आए। इसके बाद दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को तीसरा मोर्चा बनाने की दिशा में पहला कदम बताया, जिसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव की बातों से फिलहाल ये साफ दिख रहा है कि तीसरे मोर्चे में कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी पे गुस्सा आएगा तो कांग्रेस आ जाएगा, तो क्या होगा, क्या चमत्कार होगा? इस देश में कुछ चमत्कार की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस 2019 से पहले देश में बीजेपी विरोधी दलों को अपने नेतृत्व में साथ लाने का सपना देख रही। पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश के तमाम छोटे बड़े दल उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि PM मोदी और अमित शाह के विजय रथ को रोका जा सके। लेकिन दो बड़े क्षेत्रीय क्षत्रपों की मुलाकात ने उसकी परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत बताई। हालांकि कांग्रेस ने इस मोर्चे पर सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन NDA पर हमला जारी रखा। आए दिन NDA बिखर रहा है, हिट विकेट हो रहा है, उनकी विकेटें गिर रही हैं। वहीं BJP ने तीसरे मोर्चे के भविष्य पर ही सवाल उठा दिए। इतना भी फ्रंट बना लें, नरेंद्र मोदी जी के सामने हर फ्रंट बौना साबित होगा। कांग्रेस की बड़ी परेशानी ये भी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी दलों को साथ लाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि UPA के पुराने सहयोगियों को साथ लाने के लिए भी सोनिया गांधी को ही फिर सामने आना पड़ रहा है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात कांग्रेस की परेशानी बढ़ाने वाली है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बागमऊ कोतवाली में कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी पर हुए जानलेवा हमले में मौत की खबर को दबाकर रखा, जिससे नाराज घरवालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाफी साबित हुई। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया। मृतक लड़की के घरवालों का आरोप है कि मंदिर जाते वक्त आरोपी ने उनकी बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार किए, जिसमें उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। लोग आ रहे हैं, रजनी बीच में थी, वो छुपा था, वो सामने मरने लगा था। जानलेवा हमले में घायल लड़की को फौरन इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया, लेकिन गहरे घाव और ज्यादा खून बहने की वजह से लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। देर से बेटी की मौत की खबर लगते ही उसके परवाले भड़क गए और उन्होंने पुलिस के रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। सिपाही ने छिपाए रखी और वो उनको हमको पता नहीं दिया, सुबह पता दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के फौरन बाद ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि इस मामले में अभी तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया। त्रिपुरा के CM ने PM मोदी से मुलाकात। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने राज्य के विकास कार्यों को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। UP के आगरा में थाना रकाबगंज में खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई। UP के मुजफ्फरनगर में एक पॉलिथीन के गोदाम में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में छुट्टियां बिता रहे रजनीकांत अल्मोड़ा के द्वारहाट पहुंचे। UP के मेरठ में नवरात्र पर 9 दिन तक चलने वाले महायज्ञ में 108 हवन कुंड में 500 किलो आम की लकड़ी से हवन किया जा रहा है, जिसको लेकर दावा है कि इससे वातावरण साफ होगा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचकर गरीब परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की तरफ से राजस्थान के अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 806वें उर्स के मौके पर चादर चढ़ाई। बुराइयां भी खत्म हो,
और साथ ही साथ जो वो ताकतें जो ताकतें की बुराइयों की मसीहा बनी हुई हैं, बुराइयों को बढ़ाने में लगी हैं, उनका भी हाथ। अभिनेता और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से जांच की मांग की। तो चंद्रबाबू नायडू जी इज इन अ वे ही इज फाइटिंग एंड एवरीथिंग बट देयर इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन इज देयर। लखनऊ में एक एनजीओ की अगुवाई में मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया। दिल्ली के रोहिणी जिले के बादली इलाके में बदमाशों ने एक आदमी को गोली मारकर उससे बाइक लूट ली और फरार हो गए। बताया जा रहा है जितेंद्र नाम का आदमी बवान से बादली की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान बादली पहुंचने पर वहां पहले से ही खड़े बदमाशों ने उसके पैर में गोली मार दी और फिर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज किया जा रहा है, जबकि पुलिस इसे आपसी रंजिश का मसला बता रही है। इसकी मोटरसाइकिल छीन ले गए, इसको गोली मार गए पैर में। कहाँ लगी गोली? पैर में। कितनी देर पहले की गोली थी? आधे घंटे पहले। तो कैसा है जिसको गोली लगी है वो? ठीक है, होश में था। तो कहाँ जा रहा था वो, कुछ पता है क्या? ये हैदरपुर जा रहा था। एनजीटी ने गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों पर होने वाला निर्माण रोकने का आदेश दिया है। इस निर्माण से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आदेश दिया है कि अरावली की पहाड़ियों के बीच हो रहे निर्माण पर फौरन रोक लगाई जाए। एनजीटी ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और निर्माण का काम कर रही कंपनी को नोटिस जारी किया है और आदेश दिया है कि एनजीटी की इजाजत के बिना अरावली की पहाड़ियों के बीच ये निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है। जिस काम पर एनजीटी ने रोक लगाई है वो एक 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये सड़क बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और पहाड़ों को हटाने की जरूरत पड़ रही है। आरोप है कि सड़क अरावली की पहाड़ियों पर बने कुछ फार्म हाउस को नेशनल हाईवे नंबर 8 से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। एनजीटी को दी गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये सड़क बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने गलत तरीके से इजाजत दी, जिसके लिए अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस आज मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस आज मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसके लिए टीडीपी ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को बजट सत्र के अंत तक संसद में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से कर्नाटक में चुनावी प्रचार के तीसरे दौर की शुरुआत करेंगे, जहां वो एक ही दिन में मंदिर, दरगाह और चर्च जाएंगे। साथ ही राहुल गांधी कर्नाटक में राजीव गांधी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी करेंगे। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुना सकती है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज़फ़ायर उल्लंघन पर भारत ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर नाराजगी जताई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के हाजिन में पिछले साल 14 फरवरी को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार केदारनाथ सिंह का दिल्ली के एम्स में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को परेशान किए जाने पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने इस मामले को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने उठाकर विरोध जताया। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को डराया और परेशान किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस साल 13वीं बार इस तरह की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 18 मार्च को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी की कार का 2 अज्ञात लोगों ने उन्हें डराने से की नियत से पीछा किया और वीडियो भी बनाया। इससे पहले कार में जा रहे भारतीय उच्चायोग के 4 अधिकारियों का भी 2 बाइक सवारों ने पीछा किया था। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग की वेबसाइट भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए भारत ने पाकिस्तान सरकार से जांच की मांग की है और पाकिस्तान से यह आश्वासन भी मांगा कि इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं और जांच रिपोर्ट भी साझा की जाए। राजस्थान के जयपुर में 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि ये तीनों बदमाश नकल कराने वाले गिरोह से जुड़े हैं, जो ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर को हैक कर नकल कराता था। पुलिस को इस गिरोह का पता उस वक्त चला जब पुलिस ने अपने महकमे की ऑनलाइन भर्ती का काम किसी बाहर की एजेंसी को सौंपा और उस एजेंसी ने भी जो परीक्षा कराई उसमें नकल की बात सामने आई। जो फील्ड के अधिकारी है इनको पहले से आगाह किया है, इन लोगों के ऊपर नजर रखे, गहनता से जाके इसको पर्दाफाश किया। जांच में ये चौंकाने वाली बात भी सामने आई कि आरोपी परीक्षा केंद्र के कुछ लोगों से साठगांठ करते थे और फिर परीक्षा केंद्र के कंप्यूटरों को हैक करने के लिए वहां बकायदा एक लाइन बिछाते थे। एक पार्टनर जो विकास मलिक गया, उसी से सारा इस सिस्टम का पता लगा। फिलहाल गिरफ्त में आए 3 लोगों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस गिरोह के बाकी लोगों का पता करने में जुटी हुई है।
झारखंड की राजधानी रांची में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव सीबीआई की विशेष अदालत से बाहर निकलते वक्त मायूस नजर आए। रांची की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे लालू यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में भी दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद लालू यादव बिना कुछ बोले वापस रिम्स अस्पताल चले गए। सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के दुमका कोषागार से 3,13,00,000 के अवैध निकासी मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया। लालू जी दोषी पाए गए और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बरी किए गए, बाकी 8 लोगों को रिहा किया गया। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी ने एक बार फिर सियासी साजिश की आशंका जता दी। अजब है नरेंद्र मोदी आई नीतीश का मेल, अजब है खेल, और फिर उसे दोबारे हो गया जगन्नाथ मिश्र रिहा और लालू यादव को जेल। इससे पहले भी चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में सीबीआई कोर्ट लालू यादव को सजा सुना चुकी है, जिसकी वजह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव रांची की सेंट्रल जेल में कैद। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से कुछ दिनों पहले ही उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन चारा घोटाले के चौथे मामले में भी दोषी ठहराए जाने के बाद अब लालू यादव का परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। जो कोर्ट फैसला किया उस पर हम लोग देश छोड़कर हम लोग को नहीं भागना, अदालत में हम लोग जाएंगे। आरजेडी की तरह लालू यादव के परिवार ने भी सजा के पीछे सियासत को वजह बताया। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। न्यायिक निर्णय होता है, आज तक कभी उस पर कोई प्रतिक्रिया हमने व्यक्त नहीं। हालांकि नीतीश कुमार ने आरजेडी को अदालती प्रक्रिया पर बयानबाजी से दूर रहने की भी नसीहत दी। लालू यादव की सजा के बाद आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी सामने आई और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जाने को गलत ठहराया। साथ ही बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का भी दावा किया। चारा घोटाला में कानून अपना काम कर रहा है, इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। हालांकि आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस इस मौके पर लालू यादव के साथ खड़ी नजर आई। लालू प्रसाद यादव जी सक्षम है कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और जैसे कि बाकी मुकदमों में मुकदमे लड़ रहे हैं, इसमें भी अवश्य लड़ेंगे। कांग्रेस ने ऊपरी अदालत में लालू यादव को राहत मिलने की भी उम्मीद जताई। महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना हजारे को मनाने की कोशिश की। 23 मार्च से किसानों के लिए शुरू होने वाले अनशन से पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने रालोगंज सिद्धि जाकर अन्ना हजारे को मनाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दावा किया कि 2 साल में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक तैयार हो जाएगा। गोवा की पणजी में खनन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे खनन कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने समर्थकों से डीएसपी मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कहते दिखे। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त बनाया गया जब गिरिराज सिंह बिहार के दरभंगा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता रामचंद्र यादव के परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि रामचंद्र यादव के परिवार के लोगों से मिलने के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने समर्थकों से डीएसपी मुर्दाबाद के नारे लगवाए। ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में किया गया। वीडियो में गिरिराज सिंह के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे। इसी दौरान गिरिराज सिंह अपने समर्थकों को डीएसपी मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कहने लगे। डीएसपी मुर्दाबाद। गिरिराज सिंह के कहते ही उनके समर्थकों ने डीएसपी मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो को लेकर सियासी माहौल भी गरमाने लगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर पर गिरिराज सिंह का वायरल वीडियो शेयर किया और लिखा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भीड़ को अपनी ही सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। वो भीड़ से डीएसपी के खिलाफ डीएसपी मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए कह रहे हैं। नीतीश कुमार गृह मंत्रालय संभालते हैं और गिरिराज सिंह लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहे हैं। नीतीश बेबस हैं और बीजेपी पूरी तरह से बिहार को बर्बाद करना चाहती है। तेजस्वी के वार पर गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने लिखा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जो पुलिसकर्मी केस की लीपापोती में लगे हैं उनका मुर्दाबाद होना चाहिए। भीड़ पूरे प्रशासन का मुर्दाबाद कर रही थी, मैंने कहा सिर्फ उनका मुर्दाबाद हो जो केस की लीपापोती में लगे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी के खिलाफ बता डाला और ट्विटर पर लिखा कि इसी डंके की चोट से अपने उप मुख्यमंत्री को जवाब दीजिए, आप केंद्रीय मंत्री हैं, इसी डंके की चोट से उस रेंज के डीआईजी आईजी और बिहार डीजीपी को बर्खास्त करवा दीजिए। आपके सुशील मोदी आपके दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं सुशील मोदी और नीतीश कुमार झूठे हैं, यही कह रहे हैं ना? हालांकि सियासी बयानबाजी से दूर डीएसपी दिलनवाज अहमद गिरिराज सिंह के वायरल वीडियो पर नरम दिखे और दावा किया कि पुलिस से जो चूक हुई है वो उसमें सुधार लाएंगे। नेता ऐसा कभी उनके
जवाब से नहीं सुन सकते। आरोप है कि दरभंगा में पीएम मोदी के नाम पर चौक बनाने को लेकर रामचंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी। रामचंद्र यादव को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया। हालांकि डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा है कि रामचंद्र यादव की हत्या जमीन विवाद में की गई थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक शमशान के बाहर जुटे कई लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और प्रशासन ने बिना जानकारी दिए उनके इलाके के शमशान को सील कर दिया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और शमशान के बाहर जुटकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली प्रशासन हाय हाय। प्रदर्शन के दौरान एक आदमी दिखावटी शव के तौर पर जमीन पर सफेद चादर ओढ़कर लेट गया और बाकी लोग उसके चारों तरफ खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। दादागिरी नहीं चलेगी। हैरानी की बात यह है कि शमशान को सील करने पहुंचे दस्ते ने एक कुत्ते को भी गेट के अंदर बंद कर दिया, जिसे लेकर इलाके के लोगों ने खासी नाराजगी जताई। ये गांव की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, ना इसका कोई नोटिस दिया गया गांव में। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों ने एक दस्तावेज दिखाकर दावा किया कि सरकारी कागजों में भी शमशान को गांव की जमीन पर ही दिखाया गया है। इसलिए लोग उस शमशान पर ताला लगाए जाने से खासे नाराज थे। शमशान के सील होने से लोगों के सामने शवों के अंतिम संस्कार की मुश्किलें भी खड़ी हो गई है और अपनी इस मुश्किल के लिए लोगों ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। ये डीलरों की और पुलिस की मिलीभगत से इसको उन्होंने वो कराया है, सील कराया है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इलाके के प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस से मिलकर जानबूझकर शमशान पर ताला लगवाया, क्योंकि वो शमशान के पास इस जमीन पर फ्लैट बना रहा है। गांव को कोई सूचना नहीं थी क्योंकि पैसे ज्यादा थे, गांव से कुछ मिलना नहीं था। फिलहाल घटना से गुस्साए लोग इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन करते दिखे। इन छात्रों का आरोप है कि नए कुलपति पर भ्रष्टाचार के इल्जाम। इसलिए वो नहीं चाहते कि पी ईश्वरा भट्ट की लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्ति हो, और इसी मांग को लेकर उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। छात्रों का सीधा सवाल था कि जब कोलकाता में नए वीसी पर लगे आरोपों की जांच चल रही है तो उन्हें चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का वीसी कैसे नियुक्त किया जा सकता है। वो उनके आने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोग्रेस होने नहीं जा रहा है। जिन लोगों ने वीसी चुना नया उसके सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी की जनरल काउंसिल और वीसी सर्च कमेटी पर भी सवाल उठाए, क्योंकि इस कमेटी ने पहले नियमों में संशोधन कर 75 साल के मौजूदा वीसी ए लक्ष्मीनाथ का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की थी। लेकिन जब उनकी बढ़ती उम्र की वजह से ऐसा नहीं हो सका तो जल्दबाजी में पी ईश्वरा भट्ट की नियुक्ति कर दी गई, जो फिलहाल कोलकाता की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की भारी भीड़ के बीच कुछ महिलाएं कर्मचारी एक अर्थी को लिए कंधे पर लेकर जाने लगी। स्वास्थ्य विभाग की ये सभी कर्मचारी अपनी नौकरी को पक्की किए जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और अपने कॉन्ट्रैक्ट की नकली शव यात्रा निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि नकली शव यात्रा के दौरान माहौल वैसा ही बनाया गया जैसा कि असली शव यात्रा में देखने को मिलता है। राम राम। इसके बाद प्रदर्शन करते सभी कर्मचारी डीएम के दफ्तर के बाहर पहुंचे और बीच सड़क पर ही अर्थी को आग के हवाले कर दिया। असल में मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे करीब 19,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। शिवराज सिंह चौहान जी को हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप भी संवैधानिक समाप्त करके उसका दहन कर दें। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने ये चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्रकारों ने घेर लिया। मीडिया कर्मियों ने उनसे लिंगायत समुदाय को अलग धर्म के रूप में मान्यता देने पर सवाल पूछना चाहा, लेकिन सिद्धरमैया वहां से चुपचाप निकल गए। असल में कर्नाटक सरकार ने नागमोहन कमेटी की सिफारिश के बाद लिंगायत समुदाय को धर्म के रूप में मान्यता दे दी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिद्धरमैया सरकार के इस कदम को बड़ा राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। आफ्टर 900 इयर्स हमको ये मूवमेंट के लिए हमको जीत मिल गया, हम सब खुश है। श्री सिद्धरमैया जी हू हैज टेकन अ हिस्टोरिकल डिसीजन एज रिगार्ड लिंगायत। कांग्रेस आलाकमान ने भी सिद्धरमैया के इस फैसले पर हामी भरकर गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी। इससे पहले रविवार को लिंगायत समुदाय के धर्म गुरुओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लिंगायत समुदाय को अलग धर्म के अलावा अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की भी मांग की, जिस पर सिद्धरमैया कैबिनेट ने मोहर लगा दी, जबकि बीजेपी ने लिंगायत समुदाय पर लिए गए सिद्धरमैया सरकार के फैसले की निंदा की और कर्नाटक सरकार के इस फैसले को चुनावी रेवड़ी बताया। मिस्टर सिद्धरमैया who is staring at the defeat wanted to divide the religion
कैस्ट। सिद्धरमैया सरकार के इस फैसले को कुछ धर्मगुरुओं का समर्थन भी मिला। लिंगायत अपनी पहचान एक बनाए रखना चाहता है तो हमें लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। लिंगायत के साधु संत सन्यासी स्वयं निर्णय करेंगे सिद्धरमैया कौन होते हैं, इसका निर्णय करने वाले। कर्नाटक में 18% आबादी लिंगायत समुदाय की है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लिंगायतों की अच्छी खासी आबादी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येडियुरप्पा के जनाधार को तोड़ने के लिए ये कार्ड खेला। येडियुरप्पा खुद लिंगायत समुदाय से ही आते हैं जिन पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, लिहाजा कांग्रेस ने लिंगायतों की इस मांग पर अपनी मोहर लगाकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। लिंगायत कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। 80 के दशक की शुरुआत में रामकृष्ण हेगड़े ने लिंगायत समाज का भरोसा जीता। हेगड़े के निधन के बाद बीएस येडियुरप्पा लिंगायतों के नेता बने। कहा जाता है कि 2013 में बीजेपी ने येडियुरप्पा को सीएम पद से हटाया तो लिंगायत समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस फिर से कर्नाटक की सत्ता में लौट आई। लिंगायतों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर विचार के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने लिंगायत समुदाय के लिए अलग धर्म के साथ अल्पसंख्यक दर्जे की भी सिफारिश की थी, जिसे कैबिनेट की तरफ से अब मंजूरी मिल गई। लेकिन अब ये केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी जिसे इस मामले पर अंतिम फैसला करना है। दिल्ली के वसंत कुंज थाने के बाहर बड़ी संख्या में जेएनयू के छात्र पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। ये छात्र छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए, जिसके बाद पुलिस ने आनंद फानन में आरोपी प्रोफेसर को एक नोटिस जारी किया और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। लेकिन इससे पहले जेएनयू के छात्रों ने पुलिस पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए वसंत कुंज थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। इन छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सफिशियंट एविडेंस है अरेस्ट करने का, हम चाहते हैं कि ये अरेस्ट करें। छात्रों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस देर से सही हरकत में आई और उसने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा छात्रों को दिया। दिल्ली पुलिस हैव एश्योर्ड अस दैट दे विल टेक द नेसेसरी एक्शन एज सून एज पॉसिबल। पुलिस से कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। लेकिन ये चेतावनी भी दी गई कि अगर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक 9 छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने एक ही एफआईआर दर्ज की थी, जबकि बाकी बची 8 शिकायतों पर पुलिस ने जल्द एफआईआर दर्ज करने का भरोसा दिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भी एक नोटिस वसंत कुंज थाने एसएचओ और दूसरा नोटिस जेएनयू के रजिस्ट्रार को जारी कर जवाब तलब किया। उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस को डायरेक्ट करेगी कि वो एक्शन ले। इस मामले में आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इससे पहले छात्रों ने जेएनयू में भी प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।